दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों ये जो अपडेट है ये नवोदय विद्यालय को लेकर है और बहुत ही बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि बाकी जैसे बिहार में आपने देखा कि ऑलरेडी एक कैलेंडर जारी हो गया कि आपको बीपीएससी के थ्रू तैयारी जो है 24 अगस्त को हर साल होगा, और उसी प्रकार से जैसे बाकी बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आपको ये देखने को मिलता है कि हर साल का अपना एक कैलेंडर होता है, नवोदय ने भी अपने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए और जो उनका ट्रांसफर है या जो प्रमोशन है उन सब के लिए यहां पर एक पूरा शेड्यूल बना दिया है, जिससे कि नए छात्रों को पूरा एक क्लियर कट रहेगा कि हमारा कब से कब क्या होने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूं, navodaya.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जब आप जाएंगे तो नीचे में आपको यहां पर एक पोर्शन दिखेगा एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन स्लैश ऑर्डर्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको रिसेंट कुछ ऑर्डर्स यहां पर दिखेंगे, नोटिफिकेशंस दिखेंगे, जिसमें कि यहां पर आप देख लीजिए मॉडल यही वाला है, हाँ, मॉडल कैलेंडर फॉर एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो नई भर्ती के लिए होगी एंड प्रमोशन थ्रू LDCE, जो प्रमोशन होता है जो LDCE बोलते हैं उनके थ्रू, एंड असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज देयर ऑफ। तो उसका पूरा एक जो मॉडल है वो यहां पर आ गया है। तो इसको जैसे ही आप यहां पर इमेज ओपन करते हैं, मतलब वो पीडीएफ ओपन करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं 8 मई को ये पीडीएफ आपको जो है तैयार हुआ है और अब आपको वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। सो मॉडल कैलेंडर फॉर एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन थ्रू, जो उसका टाइटल है यही है कि क्या मॉडल रहेगा हमारा। सो टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पूल ऑफ सफिशियंट कैंडिडेट टू promptly fill vacancies in NVS headquarters, regional office, NLIs, JNVs and to timely complete their recruitment process, the competent authority has approved following model calendar for activities to be undertaken for the direct recruitment and promotion through LDCE for strict adherence by all concerned। तो एक मॉडल जो है जारी किया है, मॉडल कैलेंडर, जो आपको हर साल इस कैलेंडर पर काम चलेगा। अभी जो 2025 का जो कैलेंडर होगा वो भी आपको यहां पर सामने आ गया है और आगे भी ये कैलेंडर फॉलो होगा। आप सब लोग जानते हैं कि हर साल अमूमन लगभग मिनिमम 10,000 वैकेंसीज तो कहीं पर भी आती है, मतलब जनरेट होती है। तो उसको अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कराते हैं तो वंस अपॉन द टाइम उसमें ज्यादा भर्ती या समहाउ वो एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में नहीं हो पाता है, इसलिए ये जरूरी है। और ये भी अपडेट आई है कि जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें भी अब आपको हर साल एक मॉडल कैलेंडर तैयार करने की बात चल रही है। पहले यहां पर देख लेते हैं, तो जो वैकेंसी असेसमेंट फॉर द वैकेंसी ईयर एंड फाइनलाइजेशन ऑफ MOU विद रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सपोज की 2025 अब आने वाला है तो उसका जो कितनी वैकेंसीज होगी उसमें, वो पिछले महीने बाय 30th जून ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर, मतलब 2025 में हमको जो रिक्रूटमेंट करना है उसके लिए 2024 में 30 जून तक हम ये फाइनल कर लेंगे कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज है फिल करने, क्योंकि उसका प्रोसेस भी होता है और पूरे प्रोसेस में टाइम भी लगता है। तो 30 जून तक जब वो फिल, मतलब फाइनल पता चल जाएगा कितनी वैकेंसीज है, तो वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड लॉन्चिंग पोर्टल जो है 15 जुलाई ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर, मतलब अब जैसे अभी सारी बात 2025 के लिए हो रही है तो 2024 में अब आपको यहां पर 15 जुलाई तक आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन और जो लॉन्चिंग पोर्टल है वो आपको जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपसे आपको अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो 30th सितंबर को होगा। रिटर्न एग्जाम कब होगा? 30th सितंबर को होगा। और डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू 31st अक्टूबर को हो जाएगा। तो कौन कौन मेरिट लिस्ट में आए हैं या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जिनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है वो आपको 31st अक्टूबर तक आ जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, पर्सनल टॉक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये 30 नवंबर तक आपको हो जाएगा, 30 नवंबर तक उसका डेट दिया गया है। डिस्प्ले ऑफ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 31 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो 31 दिसंबर तक फाइनल लिस्ट जो है ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद इश्यू ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉलोड बाय ज्वाइनिंग, तो आपको फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी से आपको यहां पर जो है हेडक्वार्टर और आरओ की जो वहां पर ज्वाइनिंग है वो शुरू हो जाएगी।
और आफ्टर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव, जैसे कि मार्च क्लोजिंग होता है तो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव, क्योंकि उसके उस समय पर ट्रांसफर भी होता है। मान लीजिए एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के लिए ट्रांसफर हुआ, टीजीटी से पीजीटी के लिए मान लीजिए अपग्रेड हुआ या प्रमोशन हुआ या ट्रांसफर हुआ, तो उसके बाद जो सीट मतलब वहां पर खाली होगी तो वहां पर कहां कहां पर भरना है पिछले वाले सेलेक्टेड कैंडिडेट से, वो उसमें भी रेडी हो जाएगा। तो आफ्टर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव दैट इज मार्च ऑफ द वैकेंसी ईयर फॉर जेएनवी कैडर। तो बेसिकली आप ये मान के चल सकते हैं कि जनवरी के बाद से हेडक्वार्टर और आरओ में और यहां पर मार्च के बाद से जेएनवी कैडर में ये ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगा। मतलब अगर 2025 में जनवरी में और मार्च में जो रेस्पेक्टिव ज्वाइनिंग देनी है उसके लिए जो प्रोसेस है वो जून में शुरू हो जाएगा। तो 2025 का भी यहां पर आपको इलस्ट्रेशन दे दिया गया है कि अब जो टेंटेटिव टाइमलाइन भी आ गया है कि जो वैकेंसी असेसमेंट है वो 30 जून 2024 को सेम जो पैटर्न था उसी पैटर्न पर आपको अलग से इलस्ट्रेशन दे दिया गया है कि जो आपका वैकेंसी होगा 15 जुलाई 2024 और 15 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक आपको एप्लीकेशन, उसके बाद 30 सितंबर को आपको रिटन एग्जाम 2024 को, 31 अक्टूबर 2024 को आपका मेरिट लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू, 30 नवंबर 2024 को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल टॉक या स्किल टेस्ट जो भी फर्दर प्रोसेस है उसमें, और 31 दिसंबर को आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, और जनवरी 2025 में हेडक्वार्टर और आरओ में, और मार्च 2025 आफ्टर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव अप टू मार्च 2025, मार्च 2025 तक आप, ये कहा जा रहा है कि आपका जो है जेएनवी कैडर में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर जो मैंने मार्च क्लोजिंग वाली बात बोली ना, तो वो मार्च क्लोजिंग के बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा, तो मार्च तक इनको आपको क्लोज करना है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज है उसका भी यहां पर दिया जाना है कि एक्चुअल वैकेंसीज कितना है अभी तक में, उसको लिस्ट आउट करेंगे। उसमें बहुत सारे फैक्टर है कि कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने लोगों का प्रमोशन हो रहा है, कितने लोग जॉब छोड़ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको देखकर ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है और ये प्रोसेस लगभग सभी एग्जाम में होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये स्टेबलाइज्ड बच्चों के लिए तभी होगा जब उनको पता रहेगा कि अभी क्या है कि अनएक्सपेक्टेड है, कि पता नहीं कब आएगा, 2 साल में 3 साल में हम तैयारी किए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है और जैसा मैंने कहा केवी में भी इन चीजों को फॉलो किया जाना है। तो आप लोग बिल्कुल अब हर साल आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल आ गया है और जो आपका एग्जाम डेट हर साल होने वाला है वो यहां पर आपको आ भी गया है कि आपको 30 सितंबर को आपका, 30 सितंबर आपका, 30 सितंबर आपका एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से आपको अपने आप में लग जाना है। दोस्तों हम लोग आपको पीडब्ल्यू पर लगातार टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर अलग अलग आने वाले एग्जाम्स की क्लासेस देते हैं और पीडब्ल्यू ऐप पर भी आपको बैचेस देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यहां पर जो है अभी जैसे कि सीटेट की, एसटेट की, या बिहार टीआरडी की, या एमपीटेट की, या DSSSB की, अलग अलग आपको यहां पर बैचेस देखने को भी मिलेंगे। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में आप लोगों के लिए भी, जो लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी निश्चित रूप से घोषित करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में बताइए। एक फॉर्म भी हम लोग आपको कमेंट में पिन कर देंगे जहां पर कि आप बता सकते हैं कि हाँ हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर हम लोग बैचेस भी उसके लिए उस हिसाब से असाइन करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकिए। और अभी आपको 12 मई तक पीडब्ल्यू पर एक ऑफर चल रहा है कि जो 1 ईयर का महापैक है जिसमें एक साल के अंदर जितनी भी वैकेंसी आई सबका एक्सेस मिल जाता है, उस पर डबल वैलिडिटी ऑफर है, यानी कि उसमें आपको एक साल के प्राइस में 2 साल तक पढ़ने का मौका है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।